वैसे वैसे आपका सम्मान बढ़ता रहा। एक और इच्छा मेरे दिल में बहुत मजबूत है, ये जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है ना, इसका सबसे बड़ा इलाज हम लोग करेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूं, लखनऊ के लोगों को ये दिखाई नहीं देता आपका क्षेत्र, मैं सच बता रहा हूं। उनको लगता है कि यही है उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का पेट अगर कोई पालता है तो वो पश्चिम है, चाहे वो राजस्व खनन हो या लकड़ी हो या कोई भी और चीज। तो यहां क्या कभी किसी ने सोचा कि यहां कोई पावर प्लांट लग जाए कि किसानों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलेगी? मैं आपसे वादा करके कहता हूं, मैं इस धरती में जन्मा हूं, इस धरती की हर एक समस्या को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की, जब तक उसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई फायदा नहीं। लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये क्षेत्र खुशहाल नहीं हो जाता, यहाँ के हर घर तक रोजगार नहीं पहुंच जाता, यहाँ गरीबों को भी अमीरों की तरफ मुफ्त इलाज की व्यवस्था नहीं हो जाती, अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं होती, यहाँ गरीबों के बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल और विदेश जाने के लिए अगर कोई बच्चा चाहता हो पढ़ने के लिए उनको हक अवसर नहीं मिलते। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, तब तो अभी तक लड़ाई शुरू हुई है, तभी तो मेरी पीठ पे गोलियां चलाई जा रही हैं। उनको लगता है कि अगर ये गरीब का बेटा खड़ा रहा तो यहाँ के जो गरीब है जिनका शोषण करके आप लोग सरकार चला रहे हैं, वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये लड़ाई एक ही लड़ाई है, हक अधिकार की, स्वाभिमान सम्मान की, और स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता होगा नहीं। और मैं देश भर में घूम घूम के जहां जहां जिनकी सरकारें चल रही है वहां सब जगह पे ये जानकारी हासिल कर रहा हूं कि किस तरह वो अपने किसानों को, कमजोर वर्गों को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया। और मैं विश्वास से कहता हूं, सब लोगों की एनर्जी इकट्ठी करके हम लोग यहाँ इतनी बड़ी ताकत बनाएंगे कि यहाँ का हर घर खुशहाल हो जाएगा, हर घर में तमाम तरह की सुख सुविधाएं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आजाद समाज पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश या देश भर में सरकारों द्वारा जो अन्याय किसानों के साथ, मेहनत कश लोगों के साथ और जो हक वंचित समाज है उनके साथ जो किया जा रहा है, कोई ऐसा संघर्ष नहीं जहां आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के लोग उनका साथ नहीं देते। जैसे जैसे काम जनता की मदद हो रही है वैसे वैसे लोगों की आस्था मजबूत हो रही है। आज हमारे साथ यहाँ पश्चिम के बड़े नेता के रूप में, जिन्होंने जब 2013 का इतना बड़ा दंगा जानबूझ के कराया गया राजनीतिक स्वार्थ में, उस पूरी लड़ाई के बाद जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि यहाँ आपसी भाईचारा बने और जो पहचान है पश्चिम की वो बनी रहे, भाई विपिन बालियान जी और उनके तमाम साथी, उन्होंने आज आज़ाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे उनके जैसे सम्मानित मजबूत नेता हमारी पार्टी जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे पार्टी पश्चिम में और मजबूत होती जाएगी। शेखर भाई, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या भूमिका रहेगी? लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव हैं 5 स्टेट, और मैं अभी तेलंगाना से लौटा हूँ। हमारा लगातार प्रयास ये चल रहा है कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव हैं उनमें आज़ाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। जैसा हमारा मजबूत संगठन यहाँ पर है, ऐसा ही हमारा मजबूत संगठन राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी है। तो अभी 2023 पे हमारी पार्टी और हमारे सम्मानित नेतागण ज़्यादा काम कर रहे हैं। 24 का चुनाव भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और उसके बाद आने वाले जो भी चुनाव हैं वो आज़ाद समाज पार्टी प्रत्येक चुनाव में मजबूती से जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मणिपुर में हिंसा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये देश का, क्योंकि मैं भाग्य दुर्भाग्य में भरोसा नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जिन बातों के साथ, दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी कि हम एक के बदले 10 लाएंगे, ये तो बाहर की बात है। मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूँ कि जिस तरह से मीडिया प्रचारित प्रसारित करती है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, भारत जिस तरह जल रहा है, भारत का एक प्रदेश मणिपुर, एक शब्द कहने के लिए प्रधानमंत्री पे नहीं है, ना लोकसभा में जाके विपक्ष का सामना कर पा रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई करा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है कि उनको चुनाव लड़ना है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए ये पश्चिम है, पूरा देश ही हमेशा से खड़ा रहा। हमारी सभ्यता और पहचान है कि यहाँ देवियों की तरह बहन बेटियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उनके सम्मान में तमाम तरह के बलिदान दिए जाते हैं, भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन बुरा ये है कि आज की सरकारों को बहन बेटियों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा किस तरह से महिला पहलवानों का अपमान हुआ, तब भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से उत्तर प्रदेश में हाथरस का अपमान हुआ, उस पर भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से दिल्ली का अपमान हुआ, उस पर भी सरकार के लोग चुप थे। जब भी बीजेपी के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग अपराध में शामिल होते हैं या उनके द्वारा कानून
का जो है मजाक उड़ा जाता है, हमेशा बीजेपी के लोग चुप होते हैं। ये चरित्र जनता देख रही है और जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिनको हमने ये सोचा था कि रक्षा करेंगे, ये इनके लोग ही आज जो हैं गरीबों की जान लेने पर तुल गए हैं, प्रदेश जल रहे हैं, वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। इसका मतलब वो मणिपुर छोड़ो, किसी भी प्रदेश में किसी बहन बेटी को न्याय नहीं दिला पाएंगे, ऐसा महसूस होता है।